ओके लव, आई टॉक टू यू लेटर देन, बाय। आईना मेरे कमरे में नॉक करके आना। ये मेरा भी रूम है, क्या मुझे यहाँ नॉक करके आना चाहिए? कॉन्फिडेंट हो? मुझे नहीं पता था। गुड, इंप्रेसिव। जल्दी आ गई। क्यों आपको मेरा जल्दी आना बुरा लग रहा है? शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। किसी लड़की से बात कर रहे थे ना आप? हाँ, गर्लफ्रेंड थी मेरी, तुम्हें कोई एतराज? अगर आप किसी और को पसंद करते थे तो आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा ना, सिर्फ गर्लफ्रेंड थी। और गर्लफ्रेंड तो हो ही सकती है, नहीं? मैं जानती हूँ कि ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई। मैंने आंटी को अंकल से कहते हुए सुना था कि आपके साथ जबरदस्ती हुई है, आप इस शादी से खुश नहीं। हाँ, मेरी शादी जबरदस्ती हुई, और कौन नहीं चाहता कि उसकी शादी अपनी मर्जी से हो, उसकी पसंद से। पर तुम बुरी नहीं हो, ठीक हो। पर हाँ, एक बात क्लियर बता दूं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, पर कोई अफेयर नहीं है, तो शक करने की बात नहीं बनती। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा? बिल्कुल भी नहीं, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अनबिलीवेबल, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। बजाहिर नहीं हो, पर छुप छुप के कोई तो रखा हो। कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिस तरह की तुम कर रही। अंदर मुझसे सवाल जवाब मत करना, मुझे पसंद नहीं। क्या मैंने तुमसे कभी पूछा कि शादी से पहले तुमने क्या किया और क्या नहीं?